जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष और अध्यात्म में। मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना और आज हम बात कर रहे हैं नवरात्र के छठे, जो नवरात्र का हमारा व्रत होता है, छठा दिन जो होता है, छठे जो माता होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये है देवी कात्यायनी। देवी कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी लड़की जो सच्चे दिल से देवी कात्यायनी की पूजा पाठ करती है, उसको अपने मनपसंद प्रेमी या मनपसंद जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। हमेशा से ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो जब बचपन में छोटी छोटी कन्याएं होती थी, उनको विवाह के लिए कात्यायनी देवी की पूजा पाठ कराते थे। और कात्यायनी देवी की जो पूजा पाठ होती है, वो होती ही इसलिए है कि कोई भी लड़की या तो अपने मन वांछित जिसको भी वो पसंद करती है, या तो उससे शादी कर ले, और या फिर जो उसने सोचा हो कि मेरा पति ऐसा हो वैसा हो, उसके हिसाब से वो अपने मन के हिसाब से कात्यायनी की पूजा करके वैसा ही पति को पाए, इसके लिए कात्यायनी देवी की पूजा होती है। तो आज मैं आपको छठे नवरात्र कात्यायनी देवी के महत्व के बारे में बताऊंगी और साथ में इनकी कैसे पूजा करके आप भी अपनी लव मैरिज कर सकते हैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा और व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिएगा। 1-2-3 घंटे जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं उसका जवाब दूंगी। कुछ लोग बहुत ही बेसब्रे होते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें लिख देते हैं कि मैडम हमारा फ़ोन क्यों नहीं, मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही हो। मैं आपसे पहले बोल देती हूँ, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ और मेरे पास पूरे दिन में 1-2 नहीं 3-4 हज़ार से ज़्यादा मैसेज आते हैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबसे बात कर सकूं, इसलिए मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। मैं सिर्फ मैसेज पढ़ती हूं और मैसेज पे जवाब देती हूं, और जिसका जब नंबर आएगा उसका जवाब दिया जाएगा, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। बात कर रहे हैं हम कात्यायनी माँ की, तो कात्यायनी माँ की पूजा करने की कैसे होती है वो बता रही हूँ। कात्यायनी देवी जो है, इनका संबंध नवदुर्गा में विवाह की देवी से है, और ये कोई और नहीं माता पार्वती ही हैं, और उन्हीं का स्वरूप है कात्यायनी देवी। और जो कात्यायनी देवी हैं, इनको भगवान शिव की पत्नी माना जाता है। इन्हें उमा भी कहा जाता है, गौरी भी कहा जाता है, काली भी कहा जाता है, हेमावती भी कहा जाता है, ईश्वरी भी इन्हीं को कहा जाता है, दुर्गा भी यही हैं, भद्रकाली भी यही हैं, चंडिका भी यही हैं। इस तरह से ये सब इन्हीं के नामों से पुकारा जाता है, ये सब कात्यायनी माँ के ही नाम हैं। तो कात्यायनी माँ की पूजा कैसे करेंगे आप, वही सुबह नहा धो के जब आप तैयार हो जाते हैं तो कात्यायनी देवी के जो, जैसे धूप दीप अगरबत्ती जब आप पूजा लगाओगे, जैसे आपको हमेशा से मनाना है धूप दीप अगरबत्ती पंचमेवा चरण अमृत वगैरह सब कुछ आप जो भी बनाते हैं वो सब बनाकर आप पूजा पाठ उपासना करते हैं। नारियल तो आपने पहले ही नवरात्र में रख लिया होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आप लड़की हैं, ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए नहीं है, तो आपको क्या करना है, देवी को कैसे बनाना है अब मैं वो बता रही हूँ। तो कैसे करनी है पूजा बताती हूँ कि सबसे पहले देवी की पंचोपचार आप पूजा करेंगे। पंचोपचार में क्या होता है, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मिष्ठान देंगे, भोग लगाएंगे, देवी की आराधना करेंगे। और सबसे पहले कैसे बताया आपको, सबसे पहले गणेश पूजा होगी, तो सबसे पहले आप मानसिक रूप से गणेश का जाप करेंगे, गणेश की पूजा करेंगे, गणेश को बैठाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनका पंचोपचार पूजा करेंगे। जब गणेश की पूजा आपकी पूरी निपट जाएंगी गणेश जी की, तब आपको किसकी पूजा करनी है, तब आपको करनी है देवी की पूजा, यानी कि देवी कात्यायनी की पूजा करनी है। उसमें भी आप पंचोचार पूजा करेंगे। अब जो देवी कात्यायनी का जो छठा दिन है, जिसमें आपको कात्यायनी उपासना करनी है, जिससे बहुत अद्भुत शक्ति है, ये आपको ना केवल आपका जीवन साथी देती है बल्कि आपके शत्रुओं का भी संहार करती है। देवी के इस छठे जो देवी का रूप है, उसका जो मंत्र होता है वो तो ये होता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः, जिसमें हम बोलते हैं हे देवी आप शक्ति रूपी हैं, आप अम्बे गौरी माँ आपको बार बार प्रणाम है। और जिन लोगों को विवाह करना है, चाहे वो लड़की लव मैरिज करना चाहती है, चाहे वो लड़की अरेंज मैरिज में करना चाहती है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको कौन सा मंत्र करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो मंत्र है, आराम से सुनिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी
न्यायधीश्वरी, नंदगोपु, सुतम देवी, पतिम, मे कुरते नमः। ये मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को आप सुन के लिख भी सकते हैं और या फिर आप इसको, आप कात्यायनी माता का जो मंत्र है आप नेट पे सर्च करेंगे तो बड़ा आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो आपको क्या करना है, 108 बार कात्यायनी माँ के ये उपासना छठे नवरात्र से शुरू करके जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता मनपसंद लड़के के साथ, तब तक आपको रोज़ सुबह 108 सुबह और 108 शाम को माला जपनी है। सबसे पहले तो वही बोलोगे, माँ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये मंत्र तो आप 108 बार शक्ति के लिए कर सकते हैं। और जिन लड़कियों को शादी करनी है उनको मैंने बता दिया, ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है जब तक आपका विवाह हो ना जाए। जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपको देवी को अपने पति के साथ जाके देवी के दर्शन करने एक नारियल चढ़ा के आना है। और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर आप कात्यायनी माँ की पूजा करने जा रहे हैं तो उससे पहले, चाहे एक दिन पहले चाहे उससे एक दिन पहले, आपके आसपास जो भी दुर्गा का या पार्वती का मंदिर है उधर जाके आपको एक बार बोल के आना चाहिए कि देवी मैं कात्यायनी माँ की पूजा करने जा रही हूँ, मेरी ऐसे से इच्छा है। और जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं फला लड़कों को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, और अगर लड़का निश्चित नहीं है तो मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे पति में ऐसे ऐसे गुण हो, इस तरह से आपको बोल के पूजा करनी है, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 108 बार मंत्रों का जाप करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देवी के बहुत महान कात्यायनी रूप की सेवा है, पूजा है, माता पार्वती है और शिव इनके पति है। यदि आप पति पत्नी दोनों का शिवलिंग पर बैठ के भी पूजा करोगे, मतलब मंदिर अपने घर में ना करके अगर मंदिर में करना चाहते हो सुषम, और भी अच्छा है, बहुत जल्दी अच्छा काम बनेगा आपका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू।